नमस्कार, ज्योतिष के 2 मिनट के कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो का विषय है शुभ और अशुभ ग्रह। जिन 9 ग्रहों की हमने बात करी, इनमें से कुछ ग्रहों को शुभ और कुछ ग्रहों को पापी कहा गया है। पापी यानी अशुभ। चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, ये 4 शुभ ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु, ये 5 अशुभ ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध को सदैव शुभ नहीं कहा गया। पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा के पास का चंद्रमा शुभ माना गया है, जबकि अमावस्या के पास का चंद्रमा शुभ नहीं कहा गया। इसी प्रकार अगर बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो शुभ, और पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो पापी कहा जाता है। शुभ और पाप ग्रहों का फलादेश में यानी फल कथन में बहुत महत्व है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि सभी पापी ग्रह हमेशा बुरा फल नहीं देते, ना ही सभी शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। अच्छा या बुरा फल अन्य कई बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे ग्रहों का स्वामित्व, ग्रह की राशि, दृष्टियां, दशा और भी कई सारी बातें, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए नमस्कार।